हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपने लिविंग रूम का डेकोरेशन करते हैं और इसमें जितना भी डेकोरेशन का आइटम है ना, ज़्यादातर सब कुछ DIY किया हुआ है, तो बहुत ही कम खर्च में सारा डेकोरेशन आइटम बन गया है। तो अगर ये आपको आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्टेन से शुरू करते हैं। तो मैंने सारे कर्टेन को चेंज नहीं किया है, बस इसमें थोड़े से नेट के कर्टेन और बीच में एक कंट्रास्ट कलर का कर्टेन ऐड कर दिया है। और कंट्रास्ट कलर के कर्टेन से ना बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आ जाता है आपके घर में। तो ये देखिए, मैंने सारे कर्टेन को अच्छे से मोड़ के इसमें बीच में जो पट्टी होती है उसको अच्छे से लगा दिया है। ये कर्टेन भी मैंने घर में ही बनाए थे और ये वाला कर्टेन है ना, इसमें पट्टी नहीं लगाया था मैंने। तो इसमें कुछ इस तरीके से आप चूड़ी भी लगा करके, हाथ के कंगन जो होते हैं उसको लगा करके अच्छे से फ्रिल बना के एडजस्ट करके लगा दीजिए, तो उसका भी लुक बहुत ब्यूटीफुल सा आता है। ये वाला जो कॉर्नर है ना फ्रेंड, तो ये कॉर्नर मैंने अपने हस्बैंड के मोमेंटो वगैरह के लिए बनवाया हुआ था। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, ये वाला जो मोमेंटो है ना, ये उनको कारगिल में जब उनकी पोस्टिंग थी तब मिली थी। और इन सारे मोमेंटो को मैं इस कॉर्नर में लगाऊंगी। डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल पे मैंने एक रनर लगा बिछाया और एक ट्रे में एक जग और उसके साथ के ग्लासेस रख दिए। मैं ना हमेशा जो भी ग्लासेस रखती हूँ ना डाइनिंग टेबल पे, तो ट्रे में ही रखती हूँ, क्योंकि क्लीन करने में बहुत ही आसानी होती है। और ये बीच में एक मनी प्लांट और ये वाला जो पॉट है, इसको भी मैंने DIY किया था। ये मिट्टी का ही पॉट है, इसको मैंने पेंट करके इस पर कुछ पर्ल लगा दिए थे। और ये उसके साथ में मैंने एक टिश्यू पेपर स्टैंड रख दिया। और यहाँ पे ये मेरे पास 200 पीस जैसे थे, तो इसको मैं कर्टन के साथ लगाऊंगी। और ये वाला टेबल जो है ना, इसके ऊपर मैंने ये एक फ्लावर पॉट बनाया था और उसमें कुछ फ्लावर, ये फ्लावर भी DIY से बनाया था मैंने फोम सीट पेपर से। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है इस वाले वीडियो का, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और ये फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल बना था। और ये जो है ना फ्रेंड, ये एक फ्रेग्रेंस आता है, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो इसको मैं हमेशा मानसून के समय में अपने घर में रखती हूँ, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और अब TV स्टैंड की बारी। तो यहाँ पे मैंने ना, ये मेरे पास मेटल के कुछ 100 पीस थे तो उसको रख दिए। और ये मेरे पास सिरेमिक का 2 पॉट था तो उसको भी रखूंगी। ये वाला प्लांट जो है ना फ्रेंड, ये भी मनी प्लांट के जैसा ही है, उसी का एक वैरायटी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये मेरे पास ये पिंक एग्लोनिमा का प्लांट था, तो इसको भी मैंने टीवी के ऊपर रखा। और दूसरा वाला पॉट सिरेमिक वाला यहाँ लगा दिया। थोड़ा DIY हो जाए तो ये फोम प्लेट से मैंने बनाया है कुछ DIY वॉल डेकोर, आप देखिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर बनता है इसका, तो आपको अगर देखना है तो आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वाला जो वॉल डेकोर पीस था ना, उसको मैं इस वाले वॉल पे लगाऊंगी मिडिल में डबल टेप की मदद से। देखिए कितना सुंदर सा पीस बना है। और ये वाला जो कॉर्नर है ना, बिल्कुल खाली खाली सा था, तो यहाँ पे मैंने वो जो डबल टेप वाला एक हुक सा आता है ना, वो लगाया। और ये भी मैंने DIY किया था, ये प्लाई के टुकड़े पे मैंने वॉलपेपर लगा के नीचे ऊन के लच्छे लगा दिए थे। और इस पर मैं अपने एक छोटा सा मेरा प्लांट है उसको रखूंगी, और साथ में एक कैंडल, सेल वाला कैंडल है फ्रेंड, तो उसको रख दूंगी। इस तरीके से ना वॉल में बहुत सुंदर सा एक सेल्फ बन जाता है कुछ भी सामान रखने के लिए। और यहाँ पे जो जगह खाली था वहाँ पे मैंने एक टेबल रखा और इसके ऊपर एक प्लांट रखा मैंने। और इस टेबल के नीचे भी जगह है तो वहाँ भी मैंने एक छोटा सा प्लांट रख दिया। प्लांट से ना घर बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सा लुक आता है घर में। और चलिए एक और DIY हो जाए।
ये DIY जो है ना मैंने अपने सोफ़ा के कवर के लिए और कुशन कवर के लिए किया था। इस तरीके से मैंने कुछ लच्छे बनाए थे ऊन के। और ये वाला ना मैंने कुशन कवर के लिए बनाया था, छोटे छोटे पम्पम। तो ये वाले लच्छे जो है ना मैंने अपने सोफ़ा कवर में लगाया था और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सोफ़ा का कवर। और बस अब मैं सोफ़ा के सारे कुशन्स को अच्छे से रख दूंगी। और ये वाला DIY जो है ना फ्रेंड्स, तो ये मैंने सेंटर टेबल के लिए एक डेकोरेशन आइटम बनाया था। तो ये मेरे पास एक मिरर का टुकड़ा पड़ा था तो उससे ही बनाया था। चलिए अब सेंटर टेबल को भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो उस पर मैंने एक ये सीट बिछाई, एक रैली की सीट थी, और उसके ऊपर हमने जो बनाया था मिरर वाला अपना सेंटर पीस तो उसको रखेंगे, और उसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव आइटम। तो ये वाला बास्केट भी मैंने DIY किया था, और ये एक कैंडल रखूँगी उसके ऊपर, और बीच में एक ये शीशे का बॉल है उसको रखूँगी। ये जो छोटा सा बास्केट है ना मेरा, ये ड्राई फ्रूट बास्केट है, ये मैं श्रीनगर से लेकर आई थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखूँगी। और जो हमने बॉल रखा था बीच में उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और उसके अंदर थोड़े से ताज़े फ्लावर लगा दूँगी। हमारा डेकोरेशन हो गया है पूरा। तो चलिए मैं आपको पहले वाला लुक दिखाती हूँ बिफोर डेकोरेशन। ये मेरा पहले था लिविंग रूम कुछ इस तरीके से। और ये अभी वाला लुक डेकोरेशन के बाद।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, बिल्कुल ही कम खर्च में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन हो गया और ज़्यादा कुछ खर्च भी नहीं लगा। तो आप लोग को ये आइडिया अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो मैंने कैंडल लगाया था, इसको जला के भी दिखाती हूँ इसका नाइट लुक कैसा लग रहा है। ये वाला जो है ना, एक वुडन पीस है मेरे पास, अंदर लाइट लगी हुई है और ये बहुत ही रात में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नए नए आइडियाज के साथ।